विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अराजकता न हो, इसे लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। वहीं संदिग्धों को चिन्हित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। जालौन पुलिस ने अब तक करीब 17,000 लोगों पर कार्रवाई की है। बता दें, जालौन के तीसरे चरण में चुनाव होना है, लिहाजा पुलिस अभी से सुरक्षा को लेकर सतर्क है। वहीं आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक हथियारों की तस्करी कर रहे 21 आरोपियों को जेल भेजा गया है। कि जो विधानसभा चुनाव 2022 है, जनपद जालौन में 20 फरवरी को होना है, उसके लिए आचार संहिता जब से लागू है तब से जालौन पुलिस को पूरा सुपर एक्टिव मोड में रखा गया है। मेरे द्वारा प्रतिदिन सुबह और शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गूगल मीट पर सभी थाना प्रभारियों के, सभी सीओ साहिबान के साथ और सभी जो है थाना अध्यक्षों के साथ, एडिशनल एसपी के साथ, सभी लोगों के साथ एक मीटिंग की जाती है, जिसमें डेली टास्किंग की जा रही है और डेली सुबह में टास्क दिए जाते हैं, फिर शाम में पूछा जाता है कि क्या कार्रवाई हुई है। इसी अंतर्गत जो है जालौन पुलिस ने काफी अच्छा कार्य किया है, सतत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा अभी तक कुल 21 अवैध असलाह, जिसमें 33 कारतूस हैं और 21 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जेल भेजा गया है।